हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग 11 क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12A का। चलिए शुरू करते हैं। 12A लिखा है 11 नंबर, राइट एज अ परसेंटेज, मीन्स क्या लिखा है 11 नंबर, 8P स्टैंड्स फॉर पैसा एज परसेंटेज ऑफ रुपीज 1। तो ये जो 8 पैसा है ना, उसे परसेंटेज में लिखना है, किसके 1 रुपये के। तो देखो 8 पैसा को 1 रुपये के परसेंट में लिखना है, तो ये बड़ा इसे डेनोमिनेटर में दिया। अब बताओ ये पैसा है हाँ, और ये रुपया है, रुपया को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करें तो 1 रुपये के बराबर क्या होता है 100 पैसा। तो इस 1 रुपये की जगह हम 100 पैसा लिख सकते हैं क्या, लिख दिया ठीक है। अब बताओ ये 8/100 यानी अगर इसे परसेंटेज में लिखना होगा तो क्या करेंगे, फिर से 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट, तो आंसर विल बी 8%। देखो ध्यान से सुनना, 8 पैसे एज परसेंटेज ऑफ रुपीज 1, तो 8 पैसा और डेनोमिनेटर में क्या जाएगा रुपया 1, और 1 रुपया के बराबर 100, तो 8/100 ये भी पैसा एंड दिस इज ऑल्सो पैसा। और पैसे को कन्वर्ट करना है, सॉरी अब इसे कन्वर्ट करना हमें परसेंटेज में, क्योंकि परसेंट में लिखना था, तो हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, क्योंकि देखो अब ये फ्रैक्शन आ गया ना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 डिविजिबल, 8 बचा 8%। ओके देखो सेकेंड नंबर 11 का, अब कह रहा है 9 सेंटीमीटर को 1 मीटर का परसेंटेज में लिखना है ठीक है। तो सिंपल से कह रही है जो 9 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना परसेंट है, ये जो 9 सेंटीमीटर है वो 1 मीटर का कितना परसेंट है, तो 9 सेंटीमीटर ठीक है 1 मीटर का कितना परसेंट है ये पूछा गया। तो देखो 9 सेंटीमीटर तो है ही, और इस मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब ये हो गया, इसे चेंज करना है परसेंटेज में, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को जब हमें परसेंटेज में चेंज करना है, क्योंकि हमें परसेंटेज में लाना था ना, तो 100 से मल्टीप्लाई ठीक है। ये 100 क्यों आया, क्योंकि इस 1 मीटर को कन्वर्ट किया किस में, सेंटीमीटर में, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इंस्टेड ऑफ दिस 1 मीटर वी हैव रिटन योर 100 सेंटीमीटर। ओके नाउ 9/100 इसे चेंज करना परसेंटेज में, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100 डिविजिबल योर 1 into 9 इट विल बी 9%। क्लियर, यानी ये जो 9 सेंटीमीटर है 1% 1 मीटर का, 9 सेंटीमीटर 1 मीटर का 9% है, 9% है ठीक है। नाउ दिस वन, 1 kg को परसेंटेज, 6 ग्राम को 1 kg के परसेंट में लिखना है, तो ओके 6 ग्राम एंड हियर डेनोमिनेटर में 1 kg, डन ओके ओके। नाउ दिस वन इज इन ग्राम एंड दिस वन इज इन kg, सो 6 ग्राम तो लिख दिया, और kg को अगर ग्राम में लिखेंगे वी विल कन्वर्ट दिस 1 kg इंटू ग्राम, विल राइट 1000 बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 100 ग्राम ओके 1000 ग्राम। क्लियर, नाउ ये तो हो गया फ्रैक्शन, ये क्यों आया, क्योंकि हमने kg को ग्राम में कन्वर्ट किया, ये ऑलरेडी ग्राम में था, इसे हमने चेंज करना है फ्रैक्शन परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई, नाउ दिस जीरो डिविजिबल एंड ये यानी 6/10%, तो इससे हम क्या लिख सकते 6 पॉइंट, क्योंकि यहाँ 10 तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल थी, यानी 0.6%, यानी ये जो 6 ग्राम है 1 kg का 0.6% होगा ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 12। लुक क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू फाइंड करना, तो देखो ध्यान से समझना, 30% ऑफ 50, तो 30% हटा नीचे क्या गया 100, ये साइन हटा नीचे क्या गया 100, ऑफ का मतलब इनटू, और 50 को 50 लिख दिया। देखो 30 लिखा, ये जो परसेंट का साइन है हटा, तो नीचे क्या गया डेनोमिनेटर में, डिवाइड में 100 गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 50। अब ये देखो 10 से 10 डिविजिबल ठीक है, 5 के टेबल में ये 1 टाइम है, 5 के टेबल में ये 2 टाइम है, अब 2 के टेबल से 30 कितनी बार में 15 टाइम में, 15 into 1 यानी
15, यानी 50 का 30% क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, 50 का 30% कितना होगा, 15। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12% ऑफ 75, यानी 75 का 12% क्या होगा। तो अगेन 12% हटा, नीचे क्या गया, डिवाइड में 100 गया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड ये 75 का 75। अगर हम 25 के टेबल में देखते हैं तो ये 3 टाइम में डिविजिबल, ये 4 टाइम में, और इसे 4 के टेबल में अगर 12 को देखा जाए तो 3 टाइम्स में, 3 × 3 इट विल बी 9। क्लियर। नाउ दिस 20% परसेंट हटा, एज अ डेनोमिनेटर क्या गया, 100। यहाँ ऑफ छूट गया, ऑफ का मतलब इनटू, एंड रुपीज़ 350, मतलब 350 रुपया का 20% क्या होगा। तो 20% हटा तो डिवाइड में 100, यानी डेनोमिनेटर में 100, ऑफ का मतलब इनटू 350 का 350। एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो गया, इस एक ज़ीरो से इस एक ज़ीरो को डिवाइड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं ना, यहाँ बचा 1, 2 × 35 इट विल बी रुपीज़ है, इसलिए विल गिव द साइन ऑफ रुपीज़ 70, 2 × 35 70। नाउ 50 kg का 60%, 50 kg का 60% क्या होगा। अगेन 60, इफ वी विल रिमूव दिस साइन ऑफ परसेंट, वी विल गिव डेनोमिनेटर 100, ओके, ऑफ का मतलब इनटू 50 kg, तो 50 kg, 1 0 1 0 2 0 2 0, 6 × 5 30, इट्स 30 kg, यानी 50 kg का 60% कितना kg होगा, 30 kg। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज, दिस क्वेश्चंस। सो विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विथ आर एक्सरसाइज 12B वर्ड प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।